अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डिश, चिकन मंचूरियन। आज मैं आपको चिकन मंचूरियन बनाने का तरीका सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा चिकन को मैरिनेट, तो आइए उसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg बोनलेस चिकन। इसको इस तरह से इस शेप में काट लिए। इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे रेड चिल्ली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, इसकी जगह पे आप लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 चम्मच अदरक पाउडर, इसकी जगह पे भी आप पेस्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच सिरका, विनेगर। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद एग, 2 चम्मच मैदा। अगर आपके पास मैदा अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से मसाला लगा लेना है, हाथों की मदद से मिक्स करें ताकि सारे चिकन के ऊपर मसाला इक्वल और अच्छे तरीके से लग जाए। 15 मिनट्स के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। पैन में हम ऑयल लेके इसे गर्म कर लेंगे। इसमें हमने फ्राई करना है, जो 15 मिनट्स हो गए हैं चिकन को मैरिनेट हुए, अब हमने इसे फ्राई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल हो चुका है गरम, अब हमने इसमें चिकन को फ्राई कर लेना है। मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे चिकन को। फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन ब्राउन नहीं करना, हमने इसको इस तरह से पकाना है कि चिकन सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ब्राउन होने से पहले पहले हमने इसको निकाल लेना है, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएगा और हमारी चिकन मंचूरियन अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया, कुक हो चुका है चिकन और अभी ये ब्राउन नहीं हुआ है। आप इसको निकाल के थोड़ा सा तोड़ के या टेस्ट करके भी देख सकते हैं, कुक हो गया, तो अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। चिकन हो चुका है फ्राई और अब हमारा है फाइनल स्टेप। इसके लिए हम 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे कढ़ाई के अंदर या फ्राई पैन के अंदर, आप 3 चम्मच ऑयल लें। स्लो आंच पे हमने किया ऑयल को गरम और साथ ही हमने इसमें शामिल किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद सब्ज मिर्च काट के, 4 अदद ये मैंने 4 अदद मीडियम साइज की शिमला मिर्च जो है वो काट ली थी, आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे अनियन, प्याज क्यूब शेप में काट लिए थे मैंने और इन्हें अच्छे से धो लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। अगर आपके पास चिल्ली फ्लेक्स मौजूद नहीं हैं तो आप सिंपल सुर्ख मिर्च का जो पाउडर है उसकी मिकदार डबल इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हिला के इसके साथ ही हमने टोमेटो केचप ऐड कर देना है। इसके साथ चिल्ली केचप, दोनों केचप जो हैं वो 1/2 कप लिए हैं हमने।
इसके साथ ही हम पानी शामिल करेंगे 1.5 कप। इसको मीडियम आंच पे हम पका लेंगे। 5 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। बाउल में हम 1 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें पानी शामिल करके पतला सा लिक्विड बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है। मंचूरियन ऑलमोस्ट पक गई हैं। इसको हम इस टाइम पे इसका नमक टेस्ट कर लेंगे, चख लेंगे, अगर नमक वगैरह कम है तो वो पूरा कर सकते हैं। नमक बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें 1-1 चम्मच करके जो हमने मैदे का पेस्ट बनाया है वो शामिल करेंगे। टोटल 4 चम्मच में शामिल करूंगी मैदे का पेस्ट, थोड़ा सा ये थिक करने के लिए। इस तरह से हम हल्का से इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे, या मीडियम से थोड़ी सी आप आंच तेज़ भी रख सकते हैं। देखिए ये देखिए मंचूरियन पेस्ट जो है वो इस तरह से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, पता चल रहा है कि मज़े की मंचूरियन बन रही हैं। मंचूरियन रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़े की लग रही हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और राइस के साथ सर्व करेंगे। मज़ेदार चिकन मंचूरियन रेडी हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी बनी हैं। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, मैंने टेस्ट करके भी देखा है, बहुत टेस्टी बनी है। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ काली मिर्च वाले चावल के साथ। आप इसको एग फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चिकन वेजिटेबल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप भी घर में बनाएं, ट्राई करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करना भी मत भूलें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।